एपिसोड की शुरुआत में हमें अकीरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर ने अकीरा को ना ही कॉलेज जाने से रोका, ना ही टोक्यो में जॉब करने से। एंड उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना सपना ढूंढना चाहिए अकीरा, क्योंकि बिना सपने का इंसान एक जेलीफिश जैसा होता है। अकीरा मन में कहता है कि जैसे आपको सब कुछ पता है, आप बस एक कंट्री फार्मर हो। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सारे लोग रास्ते पर होते हैं। पैट्रिक्स अकीरा से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ठीक तो होंगे ना। एंड अकीरा कहता है कि मेरे पेरेंट्स एकदम ठीक होंगे। एंड केंचो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। बाद में सुजुका कहती है कि तुम 3 साल बाद अपने पेरेंट्स से मिलोगे, क्या तुम नर्वस हो? एंड अकीरा कहता है नहीं तो। एंड फिर वो अपने फादर को याद करता है एंड वो कहता है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन मैं उनसे अब कहूंगा क्या। वो अपनी यादों में खो जाता है। तभी बैट्रिक्स कहते हैं कि अकीरा। एंड अकीरा टनल के आगे ब्रेक लगाता है। बाद में वो सब उतर के टनल के पास जाते हैं। अकीरा देखता है कि टनल में कई सारे ज़ॉम्बीज फंसे हुए होते हैं। जो कहता है सब ठीक तो है ना। एंड बैट्रिक्स कहती है क्या ये विलेजर्स है। एंड अकीरा कहता है कि नहीं, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। फिर सुजुका अपना सामान निकालती है एंड वो कहती है कि हम आगे नहीं जा सकते यहाँ से, इसलिए हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन का रास्ता ही लेना पड़ेगा। ये सब जंगल में से जा रहे होते हैं एंड अकीरा थोड़ा चिंता में होता है। तो सुजुका कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टनल के एंट्रेंस एंड एग्जिट दोनों ही बंद थे। एंड ऐसा विलेजर्स ने सिटी से आने वाले ज़ॉम्बीज से बचने के लिए किया होगा, तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स एकदम ठीक होंगे। अचानक से जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पीछे एक जॉम्बी पिग लगा होता है। एंड पैट्रिक्स अपने एरो से उसे मार देती है। अकीरा उस आदमी से कहता है कि आप ठीक तो है ना। फिर वो आदमी अपना नाम कुमानो बताता है एंड वो जॉम्बी से बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहा था एंड फिर उसे ये जंगल मिला एंड फिर वो यहाँ पर ही सेटल हो गया। आदमी वो बूढ़ा आदमी अपने साथ इन सबको ले जाता है अपने ठिकाने पर, जो कि होता है एक ट्री हाउस। कुमानो मास्टर कारपेंटर होता है और ट्री हाउस देख के अकीरा काफी खुश होता है। एंड पीछे केंचो एंड सुजुका दोनों ही हैरान होते हैं, क्योंकि अकीरा की बकेट लिस्ट में भी ट्री हाउस बनाने का जिक्र था। अकीरा कुमानो के पास जाता है एंड वो कहता है कि एक और ज़ॉम्बी भी आ जाए, उससे पहले हमें ट्री हाउस बना देना चाहिए, इसमें वो लोग उसकी मदद करेंगे। फिर सुजुका अकीरा को सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं है अब। एंड अकीरा उससे कहता है कि हम किसी को डेंजर में छोड़ के कैसे जा सकते हो, क्या तुम हार्टलेस हो। अकीरा सुजुका को कई सारी बातें बताने लगता है ट्री हाउस के बारे में। इसके बाद केंचो और सुजुका को अकीरा की बात माननी ही पड़ती है। सुजुका एंड बैट्रिक्स दोनों ही साइड में बैठ गए होते हैं। फिर कुमानो अकीरा एंड केंचो दोनों को ट्री हाउस बनाने के लिए टिप्स देता है, जैसे कि लसीता है या नहीं, उसके लिए वो पानी की पाइप का यूज कर सकते हैं। फिर बोर्ड्स के बीच कितने सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए वो भी वो उन्हें बताता है, जिससे पत्तियां आराम से नीचे गिर जाए। पेड़ खुद बताते हैं कि उनसे कैसा ट्री हाउस बनेगा। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो खुद तुम जंगल से पूछ सकते हो। ट्री हाउस का फाउंडेशन एक मजबूत पेड़ होता है। अगर पेड़ सूख जाता है या फिर सड़ जाता है तो इसका मतलब है कि ट्री हाउस भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उन्हें पूरे जंगल की बातें सुननी चाहिए। एंड अकीरा को कुमानो की बातें काफी अच्छी लगती है एंड वो सोचता है कि किसी दिन मुझे पूरे वर्ल्ड की आवाज सुनाई देगी तो फिर मैं अपने बकेट लिस्ट में क्या लिखूंगा। फिर अकीरा कुमानो से बात करता है कि उसे बचपन से ही ट्री हाउस बनाने का शौक था। एंड फिर कुमानो कहता है कि उसके बेटे को भी बचपन से ट्री हाउस बनाने का शौक था। फिर अकीरा पूछता है कि अब उनका बेटा कहाँ पर है एंड फिर वो चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। एंड फिर कुमार कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को मेरे सामने ही काट लिया था एंड फिर मुझे मजबूरी में उन दोनों को ही मारना पड़ा। फिर वो रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि अभी मेरे पास काफी सारा वक्त है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपने बेटे के साथ मिलके एक ट्री हाउस बनाऊंगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने लायक हो जाते हैं तब तक काफी देर हो गई होती है एंड यही बात पेरेंट्स पर भी लागू पड़ती है। ना कहते कहते कुमानो के हाथ से लकड़ी गिर जाती है एंड अकीरा उसे संभालते हुए कहता है कि मैं आपके साथ हूँ।
कुमान फिर से जोश में आ जाता है एंड फिर ये सब ट्री हाउस बनाने लग जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद ट्री हाउस बन जाता है। अकीरा और केंचो दोनों खेलने लग जाते हैं। अकीरा की बकेट लिस्ट में से एक और चीज कट जाती है। आगे कुमानो कह रहा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तब मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हाँ, मैं इसी जंगल में रहने वाला हूँ, तो जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बस एक आवाज लगा देना। सुजुका यही सोच रही होती है कि आकीरा कहेगा कि हमें एक रात इस हाउस में रहना चाहिए, लेकिन आकीरा कुमानो की बातें सुन के समझ गया था कि उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। फिर ये लोग एक पतले रास्ते से जा रहे होते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है। एंड आकीरा कहता है कि इसे रिजॉर्ज कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर कई लोगों की मौतें हो गई थी। एंड जब टनल नहीं बनी थी उससे पहले इसी रास्ते का यूज किया जाता था। एंड आकीरा का गांव वादियों और घाटियों में है। फिर ये लोग एक ब्रिज भी पार करते हैं जिसमें इन सब की हालत खराब हो जाती है सिवाय आकीरा के। पैट्रिक्स कहती है कि ये सब देख के लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एंड तुम्हारे गांव वाले सब सुरक्षित होंगे। ऐसे करते करते ये लोग आकीरा के विलेज में पहुंच जाते हैं। एंड आकीरा अपना गांव और अपना घर दिखाता है, लेकिन जब ये विलेज में पहुंचते तो वहां पर एकदम शांति सी थी। एंड फिर आकीरा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ दौड़ता है, दरवाजा जोर से खोलता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर तो पार्टी चल रही होती है। अभी उनमें से एक बुजुर्ग कहता है कि ये तो टेंडो का बेटा आकीरा है ना। यहाँ पर आकीरा के फादर और मॉम भी होते हैं। आकीरा अपने दिल की सारी बातें कह देता है कि उसे पढ़ाने के लिए काफी शुक्रिया, उसके सारे काम करने के लिए, उसके कपड़े धोने के लिए, उसके टिफिन पैक करने के लिए। एंड वो लोग उसे माफ कर दे क्योंकि उसने अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। जबकि वो लोग उसे बुलाते थे तब वो काम का बहाना लगा के यहाँ पर आना नहीं चाहता था। इन सब के लिए आकीरा जोर जोर से माफी मांगने लग जाता है। एंड तभी टेंडो उसके पास आके आकीरा के सर पर जोर से मारते। आकीरा कहता है कि ये किस लिए है। फिर आकीरा के फादर कहते कि दुनिया की वाट लगी हुई है एंड तुम ये सब बकवास करने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। एंड फिर वो आकीरा के दोस्तों से कहता है कि तुम लोग थक गए होंगे तो आके आराम करो एंड यहाँ पर कई सारे कमरे है, चाह रहना है वहाँ पर रहो। एंड फिर वो काम पर निकल जाते हैं। उसके बाद कई सारे आदमी भी काम पर निकल जाते हैं। आगे आकीरा की मॉम सबको खाना दे रही होती है एंड जिन सब्जियों से इन्होंने खाना बनाया होता है वो सब्जियां उन्होंने खुद उगाई होती है जो कि सभी को काफी टेस्टी लगती है। एंड फिर सुजुका पूछती है कि इस जोम्बी पेंडेमिक में आप लोग कैसे रहते हैं। एंड फिर अकीको बताती है कि उन्हें इस जोम्बी पेंडेमिक से कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही रहते थे क्योंकि उनका सिटी में जाना कुछ ज्यादा होता ही नहीं था। एंड विंटर में वैसे भी सारे रास्ते बर्फ की वजह से ढक जाते थे तो वो खेती करके एंड शिकार करके अपना काम चलाते थे एंड अभी भी वैसा ही करते हैं तो इन्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिर बैट्रिक्स उन टनल में फंसे हुए जोम्बिस के बारे में पूछती है तो अकीको बताती है सिटी से कुछ लोग यहाँ पर सर्टर लेने आए थे लेकिन उनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड थे जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें रास्ते बंद करने पड़े, लेकिन कुछ लोग इन्फेक्टेड नहीं थे जो कि गांव में रहते हैं। गांव वालों ने उन्हें रहने के लिए कुछ खाली घर दे दिए थे एंड वो लोग कुछ काम भी करते हैं। सुन सभी लोग काफी खुश होते हैं एंड फिर बैट्रिक्स आकीरा से कहती है कि उसे अपने बकेट लिस्ट में होम रेनोवेट करने का भी ख्याल लिख देना चाहिए। एंड आकीरा कहता है कि सही का एंड फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने आया है एंड वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है। फिर केंचो बैट्रिक्स एंड सुजुका गाँव देखने चले जाते हैं एंड इन्हें ये गाँव काफी अच्छा लगता है। केंचो कहता है कि भले मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने होम टाउन में हूँ। एंड घर पे आकीरा अपनी मॉम की मदद करने की फुल कोशिश करता है कि जैसे वो बर्तन मांज देगा एंड और भी काम कर देगा, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम काफी लंबे सफर से आए हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए एंड काम मैं कर दूंगी। फिर आकीरा साइड में बैठ जाता है तब यहाँ पर आकीरा के फादर आ जाते हैं एंड उसे कहते कि चलो मेरे साथ फार्म में काम करने। अब आकीरा काम करवा रहा होता है एंड वो कहता है कि आपकी कमर का दर्द एकदम ठीक है ना। अब वैसे इस काम में काफी मेहनत लगती है तो आप थक जाते होंगे। एंड उसके फादर कहते कि ऐसी बात नहीं है कि गांव के सभी लोग मिलके अच्छे से काम करते हैं एंड एक दूसरे की मदद भी करते हैं सो आकीरा को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर आकीरा पानी में सब्जियां धो रहा होता है एंड वो कहता है कि ये कितना मुश्किल है, मैं अपने पेरेंट्स का कर्ज कैसे चुकाऊंगा।
एंड फिर जाता है कि टेंडो को खून की उल्टियाँ हो रही होती है एंड उसके पास काफ़ी कम वक्त है, लेकिन ये बात वो अकीरा को नहीं बताता है। एंड फिर ये दोनों घर जा रहे होते हैं। रास्ते में अकीरा के पास से कोई बंदा निकलता है एंड और भी लोग होते हैं एंड अकीरा कहता है कि ये कौन है। एंड फिर अकीरा के फादर बताते हैं कि ये लोग भी सिटी से आए हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं यहाँ पर। एंड अकीरा कहता है कि शायद मैंने उस लड़के को देखा है पहले भी। फिर ये चारों लोग टनल के पास जाते हैं एंड एक पर्सन कहता है कि क्या तुम सच में कुछ करने वाले हो ये। अब इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम कांता है। ये भी अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान हो गया था, लेकिन ये अकीरा से एकदम विपरीत था क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करता था एंड अपनी दादी से लिए गए पैसों से सिगरेट पिया करता था। एंड ये अपने स्कूल के दिनों की छुट्टियों की बातें भी याद करता था कि जब छुट्टियाँ होती थी तब वो एंड उसके दोस्त जो चाहे वो करते थे। एक दिन वो देखता है कि कोई आदमी किसी औरत को खा रहा होता है एंड ये जोम्बी होता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन ये बच जाता है एंड बाहर आके देखता है तो जोम्बी पैंडेमिक शुरू हो गया होता है। एंड इतनी सारी तबाही देख के कांता काफी खुश होता है एंड वो सोचता है कि मैं अब आजाद हूँ, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ एंड अब हर दिन मेरे लिए समर ब्रेक होगा। एंड उसे सोसाइटी एंड सोसाइटी के लोग भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब एक दिन वो सिगरेट चुराने गया होता है तब उसे तीन लोग मिलते हैं जो कि उसकी तरह ही होते हैं। यहाँ पर वो एक नोटबुक देखता है एंड फिर उसमें लिस्ट लिखने लग जाता है अकीरा की तरह, मतलब कि अकीरा जैसी बकेट लिस्ट। बट इन सबकी विशेष बहुत ही अजीब थी, जैसे कि रियल गन फायर करना, बिल्डिंग्स में आग लगा देना जिसमें वो काम करते थे, लड़की के साथ बदतमीजी करना एंड उसके अलावा और भी गंदे गंदे काम। एंड सोसाइटी ने इन्हें धुक्कार दिया था एंड अब इनकी बारी थी। एंड एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट भी ठोक देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।